बात अब कर्नाटक की करेंगे, जिसके सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में निलंबित जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की बीती रात गिरफ्तारी हुई। स्कैंडल का खुलासा होते ही प्रज्वल रेवन्ना विदेश चले गए थे और इस पर सियासी गलियारों में उंगलियां उठ रही थी। कल ही 33 वर्षीय सांसद प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी से के म्यूनिक से बेंगलुरु लौटे और आधी रात के को कैंपिंग गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एसआईटी टीम प्रज्वल रेवन्ना को सीआईडी कार्यालय लेकर आई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी की सूचना कोर्ट को दे दी है और रेवन्ना की एंटीसिपेटरी बेल पर सुबह 12 बजे सुनवाई होगी। लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार विदेश क्यों जाने दिया गया प्रज्वल रेवन्ना को, लेकिन एकाएक ये शख्स हिंदुस्तान से जर्मनी के म्यूनिक पहुंच जाता है और वापसी पर उसकी गिरफ्तारी होती है। ये मामला कर्नाटक में काफी ज्यादा तूल पकड़ चुका है, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना जाने माने शख्स हैं। इनका ऑडियो सैंपल अब फॉरेंसिक टीम की तरफ से जांचा जाएगा और वायरल वीडियो से ये ऑडियो प्रज्वल रेवन्ना का मैच कराया जाएगा। इन पर कई महिलाओं से शारीरिक उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है और सीआईडी दफ्तर में कल रात से ही पूछताछ प्रज्वल रेवन्ना से की जा रही है। माना जा रहा है कि कई अहम बातें सीआईडी जानना चाहती है और गिरफ्तारी के बाद वायरल वीडियो से इनका ऑडियो सैंपल भी मैच कराया जाएगा। सगई राज जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सगई, अब वो प्रोसेस शुरू हो गया है जिसमें प्रज्वल रेवन्ना किस तरीके से सेक्स स्कैंडल में शामिल रहे हैं, ऑडियो मैच कराया जाएगा, लेकिन कहां पर पेच फंस रहा है? क्योंकि कई लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि ये सब पुराने मामले थे, चुनाव के वक्त इसे उठाया गया ताकि प्रज्वल रेवन्ना को मुख्य आरोपी बनाया जा सके। देखिए, उनके पिताजी खुद बताया कि ये पुराना वीडियोस है, मगर इन्होंने ये नहीं बताया कि ये वीडियो उसका नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो जांच अब अंदर चल रहा है एसआईटी के ऑफिस के अंदर, वहां पे पूछताछ हो रही है प्रज्वल रेवन्ना से कि जो मदर डिवाइस है मोबाइल पे इसने वीडियो रिकॉर्डिंग किया, वो मदर डिवाइस कहाँ है, क्योंकि जो भी एविडेंस अभी पुलिस के साथ है वो सेकेंडरी एविडेंस है और जो प्राइमरी एविडेंस जो मदर डिवाइस में है वो इम्पॉर्टेंट है। सर्वाइवर्स के स्टेटमेंट के अनुसार जो भी वीडियोस रिकॉर्ड किया था वो पूरा प्रज्वल रेवन्ना मोबाइल पे ही रिकॉर्ड हुआ है, मगर इसका जांच अभी भी चल रहा है। एफएसएल के टीम के साथ एसआईटी भी कोऑपरेट करके इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि कैसे उनको उनका हकीकत लेके आए बाहर, क्योंकि जो भी एविडेंस डिजिटल एविडेंस इस वीडियो पे है और उसको लेकर और एफएसएल टीम जिन्होंने ये वीडियो को लिया है और ऑडियो सैंपल को लिया है उसको मैच करेंगे। उसके अलावा जो भी वीडियो मार्जर के मतलब स्पॉट, क्राइम स्पॉट में जाकर विक्टिम के साथ जो भी स्टेटमेंट किया है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।